तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बोगनविलिया के बारे में। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि गर्वित भाई आपने बहुत दिन के बाद वीडियो क्यों डाली। तो दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे तो इसलिए मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो डाली है। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है कि इसको कौन से सीज़न में ग्रो करें। तो सबसे दो सीज़न है इसके। तो सबसे पहला है स्प्रिंग जो मार्च में आता है, और जो दूसरा है वो है मानसून जो कि जुलाई में आता है। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कटिंग से इसको ग्रो करने का। अगर आपके पास कोई भी कटिंग है इसकी प्लांट की, तो आप इसको ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट है वो है कि इसको हमेशा रिपोर्टिंग पसंद नहीं होती। आप इसको हर एक साल में रिपोर्ट मत कीजिए, आप इसको दो तीन साल एक ही पॉट में रहने दीजिए। जो नेक्स्ट है वो है कि इसको कितनी धूप चाहिए होती है। तो गाइस, इसको सुबह के 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। देखो मेरे पास कितने अच्छे बंच में फ्लावर आए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कुछ साल पहले आपने ये प्लांट लिया था और उसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये लीव्स भी अच्छी अच्छी आ रही है, ग्रीन ग्रीन लीव्स आ रही है, फ्रेश लीव्स आ रही हैं, लेकिन उसमें एक भी फ्लावर नहीं आ रहा। तो आप क्या कीजिए, इसमें पानी देना कम कर दीजिए, या फिर आप इसको एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के पानी दीजिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स। बाय बाय।